हिंदी साहित्य और शोध से जुड़े आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे चैनल शोध गुरु में। जो नए श्रोतागण हैं उनकी जानकारी के लिए हम बता दें, ये चैनल टोटली डेडिकेटेड है हिंदी के शोधार्थियों के लिए और हम इसमें चर्चा करते हैं नई नई विचारधाराएं, शोध के नए नए आयाम और क्वालिटी रिसर्च पर। हमारा मकसद है कि रिसर्च क्वालिटी ओरिएंटेड हो और इसके लिए हम जो भी नई नए विषय शोध के क्षेत्र में आते हैं उस पर विचार विमर्श करते हैं और नेट के लिए उपयोगी कुछ विषयों पर भी चर्चा होती है और साधारण रूप से जो भी रिसर्च से जुड़े अड़चने महसूस होती हैं, जैसे सिनॉप्सिस राइटिंग में या फिर पेपर प्रेजेंटेशन में, रिसर्च पब्लिकेशन में और बिब्लियोग्राफी की बात आती है, इन सब पर हम चर्चा करते हैं। तो ये खास करके ये जो मोटिवेशनल वीडियोस हम देते हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में देते हैं ताकि बहुत से शोधार्थी एक साथ लाभान्वित हो सके। जो नए श्रोतागण हैं कृपया सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमने इस एपिसोड में एक नई श्रृंखला शुरू की है, वो है बुक रिव्यू वाली, पुस्तक समीक्षा। ये मेरे फ्रेंड्स के रिक्वेस्ट के मुताबिक मैंने शुरू की है। अभी देखिए 2019 खत्म होने को है, केवल एक या दो दिन बाकी है और 2019 में पब्लिश एक जबरदस्त पुस्तक हाथ लगी है, तो हमने सोचा क्यों ना अपनी श्रृंखला की इस कड़ी को उसी पुस्तक से, उस पुस्तक की समीक्षा से इस कड़ी की शुरुआत की जाए। पुस्तक है तीसरी परंपरा की खोज। देखिए ये पुस्तक तीसरी परंपरा की खोज, ये कोई कविता कहानी या उपन्यास नहीं है, एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। इसके प्रकाशक हैं वाणी प्रकाशन, और वाणी प्रकाशन जैसे हम सबको पता है प्रकाशन के क्षेत्र में बहुत ही मस्त काम कर रही है, मतलब इसका जो प्रिंट है, लेआउट है, पेपर सेटिंग है, सब एकदम स्टैंडर्ड है। वाणी प्रकाशन अपना वो जो स्टैंडर्ड हमेशा कीप करती है पुस्तकों के प्रकाशन के क्षेत्र में। और देखिए इसका प्राइस 595 रुपीज है। अब देखते हैं ये पुस्तक हिंदी साहित्य जगत में किस प्रकार तहलका मचाएगी। ये तहलका ही नहीं, बवंडर उठ खड़ा होगा जब ये पुस्तक आगे चलकर आने वाले सालों में, क्योंकि हिंदी साहित्य जगत में जो एक खास प्रकार की जड़ता आज दिखाई देती है उसे हटाने में शायद ये पुस्तक काम आए। तो हम देखते हैं वाणी प्रकाशन द्वारा प्रकाशित, 2019 में प्रकाशित इस आलोचनात्मक ग्रंथ के रचनाकार कौन है। तो आइए देखते हैं वाणी प्रकाशन द्वारा 2019 में प्रकाशित वो पुस्तक तीसरी परंपरा की खोज, उसके लेखक कौन है। लेखक हैं एक ऐसे प्रमुख मीडिया विशेषज्ञ, एक प्रसिद्ध स्तंभकार और करीब 50 से अधिक पुस्तकों की रचना करने वाले डॉक्टर सुधीश पचौरी। देखिए डॉक्टर सुधीश पचौरी के लिए कोई खास इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है क्योंकि आजकल के सभी शोधार्थी इस नाम से परिचित हैं, लेकिन फिर भी जो एमए के छात्र छात्राएं हैं उनकी जानकारी के लिए कह दूं, डॉक्टर सुधीश पचौरी दिल्ली यूनिवर्सिटी के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रो वाइस चांसलर रह चुके हैं, एक प्रमुख मीडिया विशेषज्ञ हैं, स्तंभकार हैं और 50 से अधिक पुस्तकों की रचनाएं उन्होंने की हैं और उनमें खास करके मीडिया और उत्तराधुनिकतावाद से संबंधित जो पुस्तकें हैं वो बहुत ही चर्चित हैं और इतने अपडेटेड रहते हैं, हिंदी साहित्य ही नहीं वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में इतने अपडेटेड रहते हैं और इतनी बेबाकी से लिखते हैं, निडर होकर लिखते हैं, खुलकर लिखते हैं और इनसे इनके कॉलम जब आते हैं तो कई परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे सुधीश पचौरी जी की रचना है ये तीसरी परंपरा की खोज। इसमें उन्होंने हिंदी साहित्य से जुड़े जो जड़ता आज है उस पर अपना विचार प्रकट किया है। अब देखिए सुधीश पचौरी जी की रचनाएं जिन्होंने भी पढ़ी हो वो अच्छी तरह जानते हैं कि उनकी रचना ऐसी नहीं है कि झट से ले लिया, पढ़ लिया और एक ही पड़त में हमें सब कुछ समझ आ गई। थोड़ा मुश्किल है ये बात क्योंकि उनकी बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा है। अब मुझे भी अपनी काबिलियत पर शंका है कि मैं इनके साथ इनकी पुस्तक समीक्षा करने लायक हूं भी या नहीं, इस बात में मुझे भी शंका है, लेकिन फिर भी ये रचना इतनी इम्पोर्टेंट है शोधार्थियों के लिए, तो आने वाले शोध के गुणात्मक
परिणाम के लिए मेरी समझ में जितना कुछ आता है मैं इस पर अपना विचार प्रकट करना चाहूंगी और आशा करती हूँ मैं पचौल जी के साथ न्याय करूंगी। लेकिन एक बात है, देखिए हिंदी साहित्य के उत्तराधुनिकतावादी जो मोड़ है उस पर जो थियोरीज आए हैं उस पर हमने कई बार हमें लगा कि शंका उत्पन्न हुई कि ये सब प्रैक्टिकल हिंदी हिंदी की साहित्य जगत में ये एप्लीकेबल है भी या नहीं, इस बात में हमें शंका थी। इंग्लिश लिटरेचर में तो बहुत कुछ होता है परिवर्तन, जैसे प्रमोद के नायर के कई बुक्स मैंने देखे हैं जिसमें पोस्ट मॉडर्निज्म थियोरीज के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दिखाए गए हैं। लेकिन जब मैंने पोस्ट मॉडर्निज्म पर अपना पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप किया था उस समय ऐसा कोई भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हिंदी साहित्य जगत में उपलब्ध नहीं था। तो अब ये पुस्तक आई है सुधीश पचौरी जी की और ये साहित्य जगत में कईयों को परेशान करके रखेगी। तो हम देखते हैं इसकी पुस्तक समीक्षा, तीसरी परंपरा की खोज, वाणी प्रकाशन द्वारा 2019 में प्रकाशित एक जबरदस्त पुस्तक। पुस्तक समीक्षा की ओर सीधे आने से पहले श्रोतागणों से मेरा एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा पोस्ट मॉडर्निज्म वाला एपिसोड अभी तक न देखा हो तो कृपया पहले उसकी ओर जाएं, क्योंकि पोस्ट मॉडर्निज्म में जो टेक्स्ट के विखंडन की बात होती है और न्यू हिस्टोरिज्म की बात होती है उसे पहचानने से पहले ये एपिसोड देखना उचित नहीं होगा। तो जिन श्रोतागणों ने पोस्ट मॉडर्निज्म वाला एपिसोड ना देखा हो कृपया उसे पहले देखिए। और हम देखते हैं इस पुस्तक में तीसरी परंपरा की खोज में ऐसी क्या बात है जो कईयों को परेशान करने वाली है। देखिए ये हिंदी साहित्य के इतिहासों की, अब तक की उपलब्ध इतिहासों की अब तक न देखी गई सीमाओं पर प्रकाश डालती है। अब इतिहास लेखन में भी सीमाएं हो सकती हैं, मतलब हिस्ट्री राइटिंग में भी लिमिटेशंस हो सकते हैं, ये हमारे लिए एक नई जानकारी है। तो हिस्ट्री हम कैसे पढ़ते थे, इतिहास की किताब जो तथ्य उसमें दिए गए हैं हम उसे पूरे रूप से सच मानते थे। लेकिन न्यू हिस्टोरिसिज्म के आने के बाद 1970s से ये विचारधारा पनपने लगी कि इतिहास में विज्ञान के सत्य की तरह सब कुछ सत्य नहीं है, जो भी इतिहासकार लिखता है तटस्थ होकर नहीं लिखता। ये एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, मतलब कि इतिहासकार तटस्थ होकर नहीं लिखता, मतलब वो इम्पार्शियल होकर नहीं लिखता, उसकी मन की विचारधारा उस हिस्ट्री पर हावी है। तो ये एक नया क्षेत्र खुल गया साहित्य में और इंग्लिश में इसके कई नए इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हुई। तो सुधीश पचौरी जी कहते हैं हिंदी साहित्य इतना बड़ा जन समूह यहाँ पे है, हिंदी अध्ययन अध्यापन के कार्य में लगे हुए इतने बड़ी जनसंख्या है, लेकिन हमारे इतिहास जो उपलब्ध है वो कितना कम है। जो अस्मितामूलक विमर्श अभी, जैसे नारी विमर्श है, दलित विमर्श है, आदिवासी विमर्श है, वो सब कहाँ रेखांकित है इतिहास में। तो इतिहास के पुनर्लेखन की बात इन्होंने की है। अब देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास कितने हमारे पास उपलब्ध है। 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशित हुआ। 1940 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हिंदी साहित्य की भूमिका और 1952 में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही हिंदी साहित्य उद्भव और विकास और उसके बाद विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का हिंदी साहित्य का अतीत, नामवर सिंह जी का दूसरी परंपरा की खोज, बस ऐसे ही कुछ इतिहास उपलब्ध हैं। लेकिन इन सभी इतिहासों का जो मानक माना जाता है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का 1929 में प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास ही माना जाता है। अब सुधीश पचौरी जी ने बड़े निर्भीकता पूर्वक प्रश्नों का बौछार किया है इस ग्रंथ पर, हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा। अब प्रश्न यूं ही नहीं किया है उन्होंने, कार्य कारण सहित ये दिखाया है कि क्या इतिहास लिखते समय रामचंद्र शुक्ल जी तटस्थ होकर लिखे, उनकी जो अपनी विचारधारा है खास करके हिंदुत्व बोध है वो ब्राह्मणीय बोध है, वो ब्राह्मणीय अहंकार क्या इतिहास लेखन में भी हावी था या नहीं। और इसके कई उदाहरण वो देते हैं इतिहास को का चीर फाड़ करके, खास करके मध्यकाल से जुड़े कई प्रश्न भी पूछते हैं।
जैसे मध्यकाल में इस्लाम के प्रभाव को कम करके देखना, ये शुक्ल जी का जो हिंदुत्ववादी बोध ब्राह्मणीय अहंकार उसमें कार्यरत रहा, और इस्लाम के बिना, इस्लाम के प्रभाव के बिना भक्ति आंदोलन की कल्पना करना, इस्लाम के जो कंट्रीब्यूशन है उसे कम करके देखना, और इस्लाम के मुगल आक्रमण का एकदम धक्का के समान मानना, लेकिन अंग्रेजों का आक्रमण, उनके द्वारा किया गया शोषण दमन, उसे उसको नजरअंदाज करना। आधुनिक काल तक आते आते शुक्ल जी का राष्ट्र प्रेम दिखाई नहीं देता, ऐसे मतलब अंग्रेजों का जो आक्रमण और शोषण था वो सकारात्मक रूप से, जैसे प्रेस का आगमन या फिर नई शिक्षा पद्धति, ये सब अच्छी बातें थी, और मुगल जो इस्लाम का जो आक्रमण था वो बहुत ही भयानक खतरे के समान दिखाना। और इस प्रकार हिंदी उर्दू का जो संवाद जो पहले से ही था, उर्दू किसी खास मजहब से जुड़ी भाषा थी, तो इसीलिए कई उस समय के हिंदी लेखक उर्दू से परेशान थे। तो क्या शुक्ल जी भी उर्दू से उसी हद तक परेशान थे, क्योंकि उनके मन में जो हिंदुत्ववादी बोध सक्रिय था। और फिर इतिहास में जो टेक्स्ट है, जैसे उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है जिससे हम बिगिनर्स रिलेट कर सकते हैं, वो है पद्मावत का विषय। पद्मावत एक, जैसे हम सबको पता है, एक सूफी प्रेमाख्यान काव्य है जो जायसी ने लिखा है, और उसे हम प्रेमाख्यान काव्य, एक काल्पनिक कहानी मात्र मानते आ रहे थे इतने सालों तक। तो पचौरी जी कहते हैं, देखिए एमए बीएमए कब से हम पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं पद्मावत, उसका कुछ खास अर्थ फिक्स था अभी तक। जैसे एक अर्थ तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया और एक विजयदेव नारायण साई ने दिया, और परीक्षा में भी कुछ खास टाइप के प्रश्न ही पूछे जाते थे पद्मावत से जोड़कर, जैसे पद्मावत अन्योक्ति है या समासोक्ति, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में पद्मावत का स्थान, तो ऐसे रटे रटाए उत्तर देकर छात्र भी आगे निकल जाते थे। लेकिन 2017 में जब बॉलीवुड में संजय लीला बंसाली ने 200 करोड़ की लागत लगाकर पद्मावत एक फिल्म बनानी शुरू की, और मीडिया ने उसे इतना हाइप दिया कि पद्मावत की जो अब तक के एकेडमिक जो अर्थ निर्धारित किए गए थे वो सब बेकार हो गए। इतिहास उसे केवल काल्पनिक कहानी कहता रहा, लेकिन करनी सेना के राजपूतों ने जब उसे अपना अस्मितामूलक अर्थ से जोड़ा तो पद्मावत अचानक उनके लिए देवी बन गई। पद्मावत की आन बान शान के लिए वो मर मिटने के लिए तैयार हो गए, और यहाँ तक कि बॉलीवुड की जो दीपिका पादुकोण है उस पर आक्रमण होने की का भय उत्पन्न होने लगा, और बात संसद तक पहुंची, सेंसर बोर्ड से संसद तक इसकी बात पहुंची, और धीरे धीरे गुजरात के चुनावों के वोट बैंक को भी ये निर्धारित करने लगी। तो वही पचौरी जी कहते हैं, देखिए कोई भी टेक्स्ट का मीनिंग क्लोज नहीं है, फिक्स्ड नहीं है। पद्मावत 80 साल तक हम पढ़ा रहे थे, लेकिन कहां, जब फिल्म बनी, मीडिया के हाथ में लगी, जब इसके पीछे इकोनॉमी तंत्र काम करने लगा, बाजार तंत्र काम करने लगा, खास करके मीडिया में इसे हाइप मिला, तो पद्मावत वो नहीं रहा जो एकेडमिक स्तर पर इतने सालों से हम पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं। ठीक उसी प्रकार उन्होंने राम कथा के बारे में भी कहा है, राम एक ऐसे आइडल हैं, मतलब कि उसके कई अर्थ बदलते बदलते जाते हैं। एक तो तुलसीदास जी का रामचरितमानस, उसका एक अपना अर्थ ठहरा, एक पाठ ठहरा, उसके बाद रामलीला वालों ने राम का एक अलग पाठ रचा, फिर बाकी जो जितने भी आलोचकों ने राम पर पाठ प्रस्तुत किए, और फिर रामानंद सागर ने जब रामायण सीरियल निकाला तो राम अलग अलग एकदम से जन समूह में छा गए, और इतने अधिक छा गए, बाजार तंत्र वहां पे भी काम करने लगा। मुझे भी याद है उन दिनों जब टीवी में रामायण आता था तो लोग टीवी की पूजा करने लगते थे, और उसमें जो किरदार निभाते थे राम सीता, उन्हें वो एकदम देवता ही मानते थे, उनके व्यक्ति जीवन को वे ऐसे मानते थे कि वही भगवान है। तो राम कैसे स्मृति पटल पर अलग अलग पाठ बनते गए, और धीरे धीरे वो वोट बैंक, भाजपा का वोट बैंक बनता गया, और आज जो हम देखते हैं हमारे राज्य में जो हिंदुत्ववादी नया राष्ट्र प्रेम उभरा है, इस प्रकार राम अलग पाठ बनते गए, पद्मावत का अलग अलग पाठ बनता गया। तो कोई भी टेक्स्ट फिक्स्ड नहीं है, उसका अंतिम नहीं है, हर एक पाठक उसे अपने अपने नजरिए से देखता है। तो ये पोस्टमॉडर्निज्म का एक बात है जिसे हम अभी तक मानते नहीं थे,
लेकिन अभी धीरे धीरे हिंदी साहित्य में भी ये उजागर होने लगा है। और फिर पचौरी जी ने इसमें विलोमों की विदाई की बात कही है, जैसे बाइनरीज, जैसे रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास को एक महान आइडल मानते थे इतिहास में, भक्ति काल में, और उन हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने जब इतिहास लिखा तो उन्होंने उसे तुलसी को रिप्लेस करके कबीर को रख दिया। तो ये पचौरी जी कहते हैं इस प्रकार के ये जो विलोम है, बाइनरीज हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में हिस्ट्री को क्रिएट करना ठीक नहीं है। कोई एक जगह कबीर, एक जगह तुलसी, ऐसा नहीं है। इसके बीच में भी, ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में भी डिफरेंट शेड्स हैं, तो छोटे छोटे जो हैं उनको भी उतनी ही अहमियत देनी चाहिए। ये आज के अस्मिता मूलक विमर्श में भी यही नजर आता है। तो इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं, ये पुस्तक इस बात पर जोर देता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन होना चाहिए। जो लिखा गया है वो पूरे रूप से, तटस्थ रूप से लिखा गया है, ये मानना बुद्धिमानी नहीं है। और इसे कई और भी कई उदाहरण हैं। अभी मुझे हाथ लगी है पुस्तक, तो मैंने सोचा शोधार्थियों के लिए आप इसे पढ़िए, अपने तरह से इसका पठन कीजिए, पुनर्पाठ कीजिए और आप अपना अर्थ निकालिए। जरूरी नहीं है कि हम सभी इससे सहमत हों, क्योंकि इतिहास लेखन के क्षेत्र में रामचंद्र शुक्ल जी एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिसे हम सब अंतिम, उनका उनका कहा को अंतिम मानते हैं। अब इस पर वाद विवाद होंगे, विचार विमर्श होंगे, लेकिन जो भी है, हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की, एक पुनर्लेखन की आवश्यकता है, ये पुस्तक इस पर जोर देती है। और ये इतना है कि फॉल्ट लाइन खोजना, ये इसमें फॉल्ट लाइन खोजते हैं इतिहास लेखन में, ये पहले हम नहीं करते थे। तभी अभी भी जब सीबीएसई के टेक्स्ट वगैरह में हिस्ट्री को हमेशा टैम्पर किया जाता है, जो भी पॉलिटिकल लोग आते हैं वो हिस्ट्री को बदलने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं अभी, क्योंकि उनको लगता है कि जो हिस्ट्री लिखा गया है वो पूरा तटस्थ होकर नहीं लिखा गया है। कई बातें ऐसे हैं। तो ये हिस्ट्री राइटिंग में पचौरी जी कहते हैं, कुछ को रिजेक्ट करना और कुछ को सेलेक्ट करना, ये एक तंत्र काम करता है। तो उन्होंने फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर भी आरोप लगाया है कि उसमें प्राच्यवादी चिंतन ज्यादा है उनके लेखन में। तो ऐसे कई कई स्तरों से अब मुझे इसमें कई बात, जैसे मैंने पहले से कहा, पचौरी जी की रचनाएं जिन्होंने भी एक बार पढ़ी हो वो जानते हैं कि वो कितना क्लिष्ट है उसे समझने में। लेकिन इसका सार जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, बाकी तो आप लोग सब अपना अपना पुनर्पाठ कीजिए और इसे ठीक से समझाइए, समझिए। और शोधार्थियों के लिए तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अब मुझे ये शंका होती है कि पद्मावत के बारे में अब परीक्षा में अगर करनी सेना का कोई छात्र आंसर लिखेगा तो कैसे लिखेगा, क्योंकि एकेडमिक क्षेत्र में एक अर्थ फिक्स होना बहुत जरूरी है। अगर अर्थ इस प्रकार बदलते जाएंगे तो ये कैसे चलेगा, ये मुझे नहीं पता। अब जो भी हो, पुस्तक समीक्षा की ये कड़ी यहाँ समाप्त होती है। अगर आप प्रभावित हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अगले हफ्ते हम फिर एक नए विषय लेकर हाजिर होंगे, और तब तक के लिए आपका कमेंट्स हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मुझे पता चलता है मैं सही रास्ते पर हूँ या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑडियंस इंटरेक्शन तो है नहीं, मैं ही बोले जा रही हूँ। तो अगर मेरा ये वीडियो आपको प्रभावित करता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्ते।